डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो चैप्टर 8 का लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 18 है। तो उसमें हमने पढ़ना है टॉपिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हमने ये सीखा था कि जब भी हम मैटर को हीट अप करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस को, तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, तो उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो आज हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने हैं कि उस थर्मल एक्सपेंशन के क्या नतीजे हैं। तो इसमें तीन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में आता है, व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स, के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके दरमियान में गैप क्यों रखे जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रेलवे ट्रैक है, उसके दरमियान गैप रखते हैं। तो इसका आंसर है, रेलवे ट्रैक्स बकल्ड ऑन ए हॉट समर डे ड्यू टू एक्सपेंशन इफ़ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन सेक्शंस। अगर हम यहाँ पर गैप नहीं रखेंगे तो गर्मियों में एक्सपेंशन की वजह से, फैलने की वजह से ये बकल्ड हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर गैप्स रखते हैं। दूसरा है ब्रिजेस। तो जो हमारे पास पुल होते हैं, ब्रिज होते हैं, उनका एक सिरा रोलर्स के ऊपर रखा जाता है और यहाँ पर गैप रखते हैं। तो उसकी वजह होती है कि गर्मियों में उन्होंने एक्सपेंड होना है और सर्दियों में उन्होंने कंट्रैक्ट होना है, तो रोलर्स की मदद से वो आगे पीछे मूव कर सकें। और इसके अलावा तीसरा जो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस में है वो है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स। जो बिजली की तारें हैं उनमें थोड़ा सा सैग रखा जाता है, लचक रखी जाती है, खम रखा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि सर्दियों में चीज़ें जब कंट्रैक्ट होती हैं तो सुकड़ती हैं, तो उसकी वजह से ये टूट ना जाए। तो ये हमारे पास तीनों जो हैं ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं कि हम थर्मल एक्सपेंशन के नॉलेज को यूज़ करते हुए उसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। पहला है, सिंपल है ये, टू ओपन ए कैप ऑफ बॉटल दैट इज़ टाइटली इनफ। अगर हमारे पास कोई बॉटल वगैरह है, उसकी कैप जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती से बंद है, उसको हमने खोलना है। इमर्स इट इन हॉट वाटर, उसको हम गर्म पानी में डालें बॉटल को। मेटल कैप एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लूज, तो वो जो मेटल कैप है वो एक्सपेंड होगी गर्म पानी में डालने की वजह से, लूज हो जाएगी, उसे खोलना आसान हो जाएगा। इसके बाद है, टू जॉइन स्टील प्लेट्स टुगेदर, रेड हॉट रिवेट्स आर फोर्स्ड थ्रो होल्स इन प्लेट्स। ये हमारे पास स्टील की प्लेट्स हैं, इनमें रिवेट्स को हमने जो है वो जोड़ना है। तो ये गर्म होते हैं जोड़ते वक्त, दूसरी तरफ से हम इनको हैमर करते हैं, हैमर करने की वजह से जब ये कूल होते हैं तो फिर ये स्टील प्लेट्स जो हैं ये आपस में टाइट जो है वो जुड़ जाती हैं। तो आयरन रिम्स जो हैं, जो कि हमारे पास वुडन व्हील्स जो हैं कार्ड्स के, उनमें भी हम इसी तरीके से इनको फिक्स करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास है बाईमेटल स्ट्रिप। बाईमेटल, बाई कहते हैं दो को, बाईमेटल का मतलब है ऐसी स्ट्रिप जिसमें हमारे पास दो मेटल्स जुड़ी हुई हों। तो इसकी डेफिनेशन है, बाईमेटल स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल सच एज ब्रास एंड आयरन जॉइंट टुगेदर। तो इसमें जो दो मेटल हम यूज़ करते हैं वो ब्रास एंड आयरन है। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉजेज बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप। तो होता यह है कि नीचे हमारे पास ब्रास है, ऊपर आयरन है। अब दोनों का थर्मल कॉफिशेंट जो है, जो वैल्यू होती है जिस पर उन्होंने बेंड होना है, वो अलग अलग है। तो आयरन की ज़्यादा होती है, ब्रास की कम होती है। अब हम करते क्या हैं कि ब्रास को हीट अप करते हैं, जो ही ब्रास बेंड होती है तो आयरन भी उसके साथ बेंड हो जाती है। तो ये हमारे पास बाईमेटल स्ट्रिप है, इसको हम मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हम इसको बाईमेटल थर्मोमीटर्स में, जो कि हमारे पास फर्नेसेस ओवन्स हैं उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, थर्मोस्टेट्स में टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ हीटर कॉइल इन इलेक्ट्रिक आयरन। तो जो हमारी इस्त्री होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसका टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम बाईमेटल स्ट्रिप को यूज़ करते हैं। और लास्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो अब तक हमने जो पढ़ी है वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स थी, कि सॉलिड को जब हम हीटअप करते हैं तो उनका जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो लिक्विड्स के बारे में भी यही है, और ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ग्रेटर देन सॉलिड्स। तो जब हम सॉलिड्स को हीट करते हैं उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है, लिक्विड्स को हीट करते हैं उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है। उसकी वजह यह है, लिक्विड्स के दरमियान ऑलरेडी जो है वीक फोर्सेस होती हैं बनिस्बत किसके, सॉलिड्स के, तो इसलिए उनका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है सॉलिड से। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, पहला है अपेरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन, दूसरा है रियल वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्योंकि लिक्विड्स को हम डायरेक्टली तो हीट नहीं कर सकते, उसको किसी न किसी बर्तन के अंदर डालना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास फ्लास्क है। तो इस फ्लास्क के अंदर हमने लिक्विड डाला है, फर्ज किया कि हमने वाटर डाला है, तो शुरू में उसका जो लेवल है वो ए पर है। अब हम उसको हीट अप करना शुरू करते हैं,
हीट अप करने की वजह से इसका लेवल बढ़ने की बजाय गिर जाएगा, वो लेवल बी पर आ जाएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि पहले तो वो फ्लास्क हीट अप होगी, फ्लास्क जो है वो सॉलिड है, तो जब वो हीट अप होगी उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो ड्रॉप हो जाएगा, वो जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है उसका जो है एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई, अब जो है लिक्विड जो है जो वाटर है उसकी एक्सपेंशन स्टार्ट हो गई है, अब उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ है और वो सी तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आती है बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। बी सी जो है ये हमारे पास है रियल एक्सपेंशन, यानी कि लिक्विड असल में हीटअप कहाँ से शुरू हुआ, बी से, बी से हीटअप होना शुरू हुआ और वो सी तक गया, ये उसकी रियल एक्सपेंशन है। जबकि नज़र हमें किस तरह आता है कि हमने उसका जो इनिशियल लेवल है वो ए था और फाइनल जो है वो हमारे पास सी है, नज़र ऐसे आता है, अपेरेंट जो है वो ज़ाहरी तौर पर ऐसे एक्सपेंशन हमें नज़र आती है। और ए भी जो है वो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क है, यानी कि इस दौरान जो है वो फ्लास्क जो है वो एक्सपेंड हुई है। तो इसलिए हमारे पास बीटा जो है वो कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो इक्वेशन के लिहाज से ये हमारे पास बनेगा बीटा आर, यानी कि कोफिशियंट ऑफ रियल जो है वो थर्मल एक्सपेंशन इज इक्वल टू बीटा ए प्लस बीटा जी। बीटा ए जो है वो अपेरेंट के लिए यूज़ हुआ है, बीटा जी जो है वो ग्लास के लिए या जो फ्लास्क है उसके लिए यूज़ हुआ है। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।